हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम की भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का इकाई थर्ड का आपका लास्ट जो है वीडियो मानव मूल्य का अर्थ। तो आपको मैं बता देता हूँ मानव मूल्य से आप क्या समझते हैं, मानव मूल्य का अर्थ, तो उसका महत्व, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ एक याली वीडियो और उसके बाद में इससे आने वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं हम कि मानव मूल्य जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। तो इसमें बताया गया कि भारतीय संस्कृति में मानव मूल्य को बहुत महत्व दिया गया है। वैल्यूज, मानव मूल्य व्यक्ति के नैतिक आचरण को समाज के साथ में व्यवस्थित करती है, जोड़ के रखती है। अब जिनसे समाज के व्यापक ही जुड़े हुए होते हैं, हमारी संस्कृति में मनुष्य जो है जन्म से श्रेष्ठ बताया गया है। पर क्या केवल मनुष्य जन्म लेने से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस पर भारतीय दर्शन और चिंतन ने पर्याप्त चिंतन किया और वे मानव मूल्य ही है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाता है। तो आप सबको पता होगा कि भाई जानवर और एक इंसान में क्या फर्क है, कि वो भी रो सकते हैं और हम भी रो सकते हैं, पर हम रोने के बाद मुस्कुरा सकते हैं, वो नहीं मुस्कुरा सकते। तो ये मानव मूल्य है। मानव मूल्यों के अंदर अनेक संदर्भ हैं, जैसे कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व से जुड़कर आदर्श रूप से प्रगति की ओर अग्रसित करते रहना। भारत अनेक संस्कृतियों को आत्मसात करके चलने वाला देश है और ये विविधता हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश के अंदर क्या है, ये विशेषता है, यानी कि भिन्नता में एकता या विविधता में एकता। अब उसके बाद बताइए कि मानव की संकल्पना। तो देखो, मानव की जो उत्पत्ति है और विकास है, इसकी अवधारणाओं का अध्ययन करते हुए इसे समझा जा सकता है कि जीव के चार पैरों से लेकर दो पैरों पर चलने और सीखने समझने की मानव यात्रा बहुत लंबी और रोचक है। आप सभी जानते हो कि जो जीव था वो पहले चार पैरों पर, यानी कि हम लोग आदि मानव जो रहे हैं, है ना, तो ये चार पैरों पर चला करते थे, धीरे धीरे दो पैरों पर आ गए। तो ये जो मानव यात्रा रही है वो बहुत लंबी और रोचक भी रही है। अब हम एक्चुअल में आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मूल्य जो है ये शब्द आया कैसे, मूल्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखो, मूल्य शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत की मूल धातु के साथ में हुई है और यत् प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो मूल में हो, प्रतिष्ठा के योग्य हो, है ना, जो योग्य हो किसी चीज के। अब मूल्य का एक प्राय ये भी है वैल्यू, जो कि लैटिन भाषा के वेलारे से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, उपयोगी, उत्तम। कि आप अच्छे पुरुष हो, सुंदर पुरुष हो, उपयोगी पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो, तो कहने का मतलब क्या है कि आप मूल्य रखते हो, आपकी कोई वैल्यू है। उसके बाद देखते हैं हम कि मूल्य का अर्थ और अवधारणा। तो बताया गया कि विद्वानों के अनुसार मूल्य वह वैचारिक इकाई है जिसे आधार बनाकर मनुष्य अपना जीवन जीता है। इससे उसे स्वयं और उसके साथ ही साथ समाज को भी उपलब्धियां प्राप्त होती है। और मानव मूल्य का अर्थ है उस विवेक से भी लिया जा सकता है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य से पूर्व किए गए निर्माण में करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए प्रत्येक कार्य का प्रभाव उसके व्यक्तित्व, जीवन के साथ ही साथ समाज पर भी पड़ता है। ठीक है, मनुष्य व्यक्तिगत इकाई के तौर पर सबसे पहले अपना भला सोचता है, उसके बाद अपने परिवार का भला सोचता है, और उसके बाद में पड़ोस, और फिर अपने समाज। तो ये देखो बिल्कुल गलत लिखा है, पड़ोस का तो भला बिल्कुल सोचता ही नहीं है, और अपने समाज, और उसके बाद में राष्ट्र, यहाँ राष्ट्र का भला सोचता है। तो ये बात हम यहाँ समझ सकते हैं कि मनुष्य व्यक्तिगत तौर पर जो है सबसे पहले अपना भला सोचता है, उसके बाद अपने परिवार का, और उसके बाद में पड़ोस, समाज और राष्ट्र का। साहित्य, संस्कृति और मानव मूल्य की बात करें तो देखो, महाभारत शांति पर्व में भी लिखा हुआ है, ना ही मनुष्यात श्रेष्ठतरो की किंचित, यानी कि समस्त प्राणियों में मनुष्य ही श्रेष्ठ। भोजन, निद्रा आदि तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य पशु से भिन्न इसी अर्थ में है कि उसके प्रत्येक कर्तव्य या कर्तव्य के पीछे विवेक की भावना है, दिमाग की भावना है, वो सोच समझ के कार्य करते हैं। मूल्य निर्धारण में हमारे चिंतन और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें संस्कृति की भी बदलती भूमिका होती है। संस्कृति का आधार पाकर मूल्य विकसित, फलवित और स्थिर होते हैं। जहां एक और भारतीय संस्कृति में सहअस्तित्व और संयुक्त परिवार के मूल्य को महत्व दिया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में जो है वो सहअस्तित्व और संयुक्त परिवार को महत्व दिया जाता है। मूल्य परिवर्तन के कारण और प्रभाव। वर्तमान समय में मूल्यों के परिवर्तन और ह्रास की चिंता लगातार व्यक्त की जा रही है। हमें यह समझना होगा कि मूल्य समय और समाज के सापेक्ष होते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति में कुछ मूल्य शाश्वत है, यानी कि मौजूद है, जैसे सत्य, प्रेम, मित्रता, अहिंसा, दया, त्याग, श्रद्धा, करुणा, परोपकार, न्याय, सत्संगति आदि। लेकिन कुछ पुराने मूल्य अप्रासंगिक होकर समाप्त भी हो जाते हैं, जैसे कि पहले हमारे समाज में सती प्रथा थी वो समाप्त हो चुकी है, बाल विवाह था वो समाप्त हो चुका है, दहेज प्रथा का प्रचलन वैसे अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब ये भी अप्रासंगिक हो चुके हैं। मानव मूल्यों का महत्व। देखो, मूल्य मानव जीवन के संस्कार,
ये केवल अतीत की विरासत नहीं है बल्कि भविष्य की संभावना को भी समृद्ध करते हैं। मूल्य व्यक्ति और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हैं, एक सेतु यानी कि ब्रिज का कार्य करते हैं। आधुनिकता का संबंध भारी चमक दमक से नहीं है बल्कि तर्कशीलता और वैचारिकता से। आधुनिकता का मतलब ये नहीं कि आज सब कुछ जो डेवलप हो रहा है, सब कुछ चमक रहा है, मेट्रो चल रही है, मॉल हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि तर्कशीलता और वैचारिकता से। हमें समझना होगा कि पुराना सब कुछ इसलिए नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि वह पुराना है, और इसी प्रकार नया भी इसलिए नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि वो नया है। हमें मानव मूल्यों की कसौटी पर परख कर विवेकपूर्ण ढंग से अपनी नैतिकता और आचरण को निर्धारित करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए धरती पर एक कदम हमेशा टिका रहे। समझना होगा कि कहीं तेज भागने और मंजिल पा लेने की जल्दबाजी में दोनों पैर ऊपर उठाए तो तुरंत जमीन पर गिर जाएंगे। संपूर्ण मानव समाज, मानव कल्याण, मनुष्यता की रक्षा के लिए मानव मूल्यों का संरक्षण और अनुपालन आवश्यक है। निष्कर्ष, अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो मानव मूल्यों के बिना मानव जीवन की कल्पना अधूरी है। अगर मानव मूल्य नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो कोई भी आपका जीवन जो नहीं है बिल्कुल भी। इसमें मानव सभ्यता का प्रमुख गुण भी सहअस्तित्व की धारणा पर टिका हुआ है। मानव मूल्य का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व, कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार मानव मूल्य ऐसी आचार संहिता जिसे कि मानव अपने परिवेश, संस्कारों, शिक्षा, समाज और पर्यावरण से अपनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपनी जीवन शैली, नैतिकता और आचरण का विकास करता है। तो आई होप आपको ये यूनिट नंबर थर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आपका यूनिट नंबर थर्ड में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मानव समाज के, मानव मूल्य के बारे में आपको जो भी पढ़ाया गया वही सब आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पेपर में आपको ये सब देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।